विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 7th यूजीसी पे स्केल की मांग को लेकर 5 जुलाई तक शिक्षा बंद करने का फैसला लिया है। इससे पहले 22 जून के दिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने वीसी ऑफिस से समर हिल चौक तक रोष रैली निकालकर प्रदर्शन किया था। बता दें कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रदेश सरकार की ओर से जल्द 7th यूजीसी पे स्केल देने की बात कही गई थी, लेकिन 2016 से लंबित पे स्केल 6 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षकों को नहीं मिल पाया है। इसी पे स्केल मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और नौणी विश्वविद्यालय साथ ही पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 5 जुलाई तक शिक्षा बंद करने का ऐलान किया है। इस दौरान विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई परीक्षाओं के पेपर चेक करने का काम भी बंद किया जाएगा, जिसकी वजह से आम छात्रों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार के सामने अपनी मांग रखने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय टीचर एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय टीचर यूनियन की ओर से ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी मेंबर जोगिंदर सकलानी ने कहा कि साल 2016 से अब तक 7th यूजीसी पे स्केल लंबित है। प्रदेश भर के 3000 शिक्षक लंबे समय से पे स्केल दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार शिक्षकों की मांग को नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी की जनसभा में 7th पे स्केल देने की बात कही थी। मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि 2016 से जो यूजीसी का 7th पे स्केल है, वो यूजीसी के अंडर गवर्न होने वाले सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका पिछले 6 वर्षों से लंबित है, और उसको लेकर के एक लंबे समय से हम अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर कहा था कि आपको जो आने वाली कैबिनेट जो पीछे हुई है उसमें इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं हुई है। और 27 तारीख को ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एक बैठक हुई थी, जिसमें पालमपुर यूनिवर्सिटी, नौणी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जिसमें हापुटवा और हापुटा दोनों संगठन और जो कॉलेज कह रहे एजीसीटी है उसके पदाधिकारियों ने भाग लिया, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि 28 तारीख से पूर्ण शिक्षा बंद, जो शिक्षा बंद है उसका नारा दिया गया कि सभी प्रकार की रोष स्वरूप सभी प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों को बंद किया जाएगा। और जो कॉलेज टीचर एसोसिएशन है उसके जो सेक्रेटरी और प्रधान वहाँ पर धर्मवीर जी और रामलाल जी थे, उन्होंने कहा कि जब 5 तारीख को कॉलेज की छुट्टियां समाप्त होंगी तो वो भी इस आंदोलन को ज्वाइन करेंगे। हम एक लंबे समय से मांग करें, जो हमारा जायज डिमांड है जो 2016 से ड्यू है, लेकिन बार बार हमारे को सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, कमेटियों की बात हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी कमेटी जो है अपना निर्णय नहीं ले पा रही है। दुर्भाग्यशाली ये लगभग ऐसी स्थिति हो चुकी है कि हम एक चीज को दूसरे के ऊपर टॉस करना चाह रहे हैं। और ये भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज शिक्षक जो क्लासेस में होना चाहिए था, आज शिक्षक जो शोध कार्यों में व्यस्त होना चाहिए था, उसको इस तरह के रोष प्रदर्शन के लिए और आंदोलन के लिए मजबूर किया जा रहा है। अधिकारी अपने लिए सारी चीजें ले रहे हैं, और पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को आपने नया पे स्केल दे दिया है, उसमें से मात्र सिर्फ जो 3000 शिक्षक हैं जो यूजीसी के अंडर गवर्न होते हैं उन्हीं को बिल्कुल आपकी स्पष्ट तौर पे उनकी सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा अनदेखी हो रही है, और इससे जो शिक्षक हैं उनमें बहुत बड़ा एक असंतोष है। इसी कारण हमने ये आंदोलन दिया, और आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्ण शिक्षा बंद है, पालमपुर यूनिवर्सिटी में भी इसी एनोलॉजी के ऊपर और नॉन यूनिवर्सिटी में भी इसी एनोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने डिसाइड किया था। लेकिन अब सरकार वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों को कक्षा में रहकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए उन शिक्षकों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रोफेसर जोगिंदर सकलानी ने बताया कि 7th पे स्केल की मांग को लेकर विश्वविद्यालय शिक्षकों ने 5 जुलाई तक शिक्षा बंद करने का फैसला लिया है। इस दौरान शिक्षक किसी भी अकादमिक और आधिकारिक कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। बता दें कि सभी राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7th यूजीसी पे स्केल दे दिया है, केवल हिमाचल प्रदेश सरकार ही अभी तक शिक्षकों को 7th यूजीसी पे स्केल नहीं दे रही है। ऐसे में तमाम शिक्षक ये मांग कर रहे हैं कि अन्य राज्यों की तर्ज पर जल्द से जल्द 7th पे स्केल दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश सरकार शिक्षकों की बात को मानती है और 7th यूजीसी पे स्केल लागू करती है या शिक्षकों का प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा।